मथुरा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वृंदावन के श्रीपाद गौशाला में आयोजित 23 दिन निकुंज उत्सव में शिरकत की। उन्होंने गायों के लिए बनाए गए आधुनिक टिनसेट का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी के प्रदर्शनकारियों से मिलने पर कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। जिन अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार हो रहा है इस बिल को उनके लिए लाया गया है। इस्लामिया जेएनयू के छात्र इसका अध्ययन करें। सपा बसपा कांग्रेस जिस तरह जनता को बरगला रही है, आने वाले समय में ना हिंदू उनका साथ होगा ना ही मुस्लिम। अखिलेश यादव के CAA और NRC NPR पर सवाल उठाने पर कहा कि अखिलेश पहले अपने खानदान को देखे, मोदी योगी का रास्ता अपनाए, तपस्वी बने। उनका क्या है, एक भाई को आजमगढ़ से लड़ता है और एक को कन्नौज से और एक बदायूं और फिरोजाबाद से। बाकी के यादव क्या करेंगे, पहले अपने खानदान को देखे और उसे रोके। बाकी के कार्यकर्ताओं को कब आगे बढ़ाएं, CAA का उन्हें अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबके लिए बराबर है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का हर गरीब को लाभ मिले। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। CAA को लेकर पक्ष और विपक्ष दो तरह की राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी जो प्रदर्शनकारी हैं उनके घर जाती हैं। CAA क्या है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिन्हें वो इस्लामिया कॉलेज से बाहर निकल कर तोड़ फोड़ करते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो वो मूर्ख थोड़ो है, पढ़े लिखे हैं। CAA जो कानून बना है, जो एक्ट बना हुआ है,